या तो रखे सारा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए कहर को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं, जिसमें सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क लगाना, हाथ और मुंह को बार बार धोना और बसों में 50% सवारियां ले जाना आदि शामिल है। परंतु लोग इस वायरस के कहर में भी सावधानी नहीं बरत रहे हैं। आज सरकाघाट के बस स्टैंड, आर्मी कैंटीन व बैंक के बाहर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। यहाँ लोगों को कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने निर्देशों की अवमानना व धज्जियां उड़ाते हुए देखा। जहां बैंक व कैंटीन में जमावड़ा था, वहीं बस में अत्याधिक सवारियां सफर कर रही हैं। बसों में 50% की जगह 100% से भी ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं। जहां सामाजिक दूरी का पालन तो दूर लोग मास्क का भी सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। प्रशासन इस पर नजर रखने या बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए। तो आइए जानते हैं पूरी बात। स्थानीय निवासी सरकाघाट पवन कुमार प्रेमी ने क्या कहा। कोरोना के दूसरे दौर में बढ़ते संक्रमण को लेकर जो हिमाचल सरकार ने जो पाबंदियां लगाई है, वो पाबंदियों की आज सरकाघाट शहर में इतनी भीड़ देखी गई कि उन पाबंदियों की सरेआम धज्जियां उड़ती हुई नज़र आई। आप बैंक में जाइए, भीड़। आप दुकानों में जाइए, वहां भीड़। और सरकाघाट में जितनी भीड़ आज देखी गई, शायद इससे पहले इतनी भीड़ कभी नहीं थी। और गाड़ियाँ, बार बार जाम लगना, और दवाइयों की दुकानों में, सब्जियों की दुकानों में, करेना की दुकानों में और दूसरी कई दुकानों में आज बड़ी भीड़ नजर आई। और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। यही नहीं, सरकाघाट के जो बस स्टैंड है वहाँ भी भीड़ नजर आई, कैंटीन पर भीड़ नजर आई। उसके अलावा जो बस स्टैंड है वहाँ जो गाड़ियों में जो 50% की कंडीशन सरकार ने लगाई है, तो वहाँ 50% गाड़ी में बस सवारियाँ नहीं बैठ रही है, वहाँ तो 100 से ऊपर सवारियाँ बैठ रही है। तो मतलब यह है कि 100% से ऊपर बैठ रही है कि सारे की सारा जो प्रशासन है, इसको देखना चाहिए कि ये इतना बड़ा सिस्टम कहीं संक्रमित ना हो जाए, तो कोई ना कोई इंतजाम सरकार जरूर करे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब।